असल दोस्तों, मैं हूँ सैयद आयाद रजा। ऑनलाइन कंप्यूटर कोचिंग में आप तमाम दोस्तों को शामिल करता हूँ। दोस्तों, आज मेरी एडोब फोटोशॉप की नवी क्लास है, जिसमें मैं आप लोगों को टूल की मदद से हम आप किसी भी तस्वीर को ब्लैक एंड वाइट किस तरह करते हैं इसके बारे में बताऊँगा। ठीक है, तो दोस्तों फोटोशॉप को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ से कोई सी भी जिस तस्वीर को हम ब्लैक एंड वाइट करना चाहते हैं उस तस्वीर को हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। ठीक है, मैं वॉलपेपर, ठीक है, सबसे पहले जिस तस्वीर को हम करना चाहते हैं हम उस तस्वीर को ले लेते हैं। ठीक है, लाइक जो भी आपको अच्छी लगे तस्वीर आप उसे ले सकते हैं। ठीक है, तो लाइक मैंने ये वाली तस्वीर ले ली यहाँ से। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो तस्वीर है ये ब्लैक एंड वाइट हो जाए। ठीक है, तो मैं इस तस्वीर को सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से सबसे पहले, तो सॉरी। सबसे पहले हम क्या करेंगे ब्लैक एंड वाइट करने के लिए, हम एक न्यू पेज लेते हैं। ठीक है, ताकि हम बिल्कुल शुरू से बना रहे हैं। ठीक है, न्यू पेज का साइज़ आप कोई सा भी ले सकते हैं। ठीक है, 60x40 ये साइज़ भी ले सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे आप वो साइज़ ले सकते हैं। ठीक है, इसमें आपकी काफ़ी सारी कमांड्स कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं साइज़ ले लेता हूँ यहाँ से 4x6। ठीक है, सॉरी 4x6 नहीं समझ आ रहा मुझे, मैं यहाँ से साइज बना लेता हूँ। ठीक है, मैं 6 ऊपर कर देता हूँ और 4 जो है वो नीचे कर देता हूँ। ठीक है, तो ये साइज यहाँ से बन चुका है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मुझे इसमें से जिस तस्वीर को ब्लैक एंड वाइट करना चाहूँगा उस तस्वीर को यहाँ से ले लेता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर आया, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ रेक्टेंगल टूल। ठीक है, मैं इस तस्वीर को ब्लैक एंड वाइट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, रेक्टेंगल टूल लूँगा, उसकी मदद से इसको सिलेक्ट करूँगा सबसे पहले। तो ठीक है, ये तस्वीर देखिए आपके सामने मैंने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद मैं एडिट के ऑप्शन में जाऊँगा और यहाँ पे लिखा हुआ कट। ठीक है, मैं कट करूँगा यहाँ से। ठीक है, उसके बाद इसको मिनिमाइज़ करता हूँ मैं। उसके बाद यहाँ पर मुझे वो तस्वीर चाहिए, तो मैं एडिट के ऑप्शन में दोबारा जाऊँगा, पेस्ट। ठीक है, आपके सामने तस्वीर आ चुकी है मेरी। ठीक है, अब मुझे इसके साइज़ को बड़ा करना है, तो उसके लिए मैं एडिट के ऑप्शन में दोबारा जाऊँगा और यहाँ पर लिखा हुआ फ्री ट्रांसफॉर्म। इससे हम अपनी तस्वीर को बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने इस तस्वीर को थोड़ा सा साइज वाइज जो भी आपको करना है आप वो कर सकते हैं। ठीक है, लाइक मैंने ये साइज ले लिया है। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगा, इस तस्वीर को यहाँ पे लेयर्स का ऑप्शन खुला हुआ है आपके सामने। ठीक है दोस्तों, अगर ये लेयर्स का ऑप्शन क्लोज हो जाए तो आप विंडोज़ के ऑप्शन में जाके ये लेयर्स का ऑप्शन यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस तस्वीर को डुप्लीकेट करना है। राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखा हुआ डुप्लीकेट। ठीक है, तो ये देखिए आपके सामने ये तस्वीर डुप्लीकेट हो चुकी है। ठीक है, अब तस्वीर डुप्लीकेट हो चुकी है, अब मुझे क्या करना है, हम एक तस्वीर को ब्लैक एंड वाइट करना चाहते हैं। तो मैंने अपनी लास्ट वीडियोज़ में आप लोगों को ये टूल्स बताए थे। ठीक है, उसमें से ये लास्ट वाला टूल है स्पंक टूल। ठीक है, इस टूल की मदद से हम किसी भी तस्वीर को ब्लैक एंड वाइट कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ से ब्रश के साइज़ ब्रश सेलेक्ट कर लेते हैं पहले तो। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से ब्रश की साइज़ को ले लेते हैं। ठीक है, जो भी आपको साइज चाहिए, और उसके बाद सिंपल आपको इस पर सिर्फ ब्रश फेरना है। ठीक है, मैंने पूरी तस्वीर को लिया। ठीक है, यानी मैं पूरी तस्वीर को ब्लैक एंड वाइट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैंने इस तरह करके पूरी तस्वीर ली। ठीक है, और ये देखें दोस्तों, अगर हमारी कमांड जिस लेयर पर होती है उसी लेयर पर काम होता है। ठीक है, यानी मैं अगर इस लेयर पर होना में भी, ठीक है, देखें आपके सामने। ठीक है, तो सिर्फ इसी लेयर पे काम होगा। ओके, देखिए अब मैं माउस की मदद से इस पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, ये तो राइट क्लिक है। ठीक है, इसको मैं क्लिक करता हूँ, उसके बाद मैं इसको ब्रश फेर रहा हूँ। ठीक है, तो ये देखें आपके सामने ये तस्वीर पूरी ग्रे स्केल हो चुकी है। ठीक है, यानी ब्लैक एंड वाइट तस्वीर हो चुकी है। ठीक है, हर तरफ से हो गई है। अब अगर मुझे इसको ब्लैक एंड वाइट करना है तो मुझे इसकी लेयर्स पर आना पड़ेगा। ठीक है, ये देखें मुझे इस लेयर पर आना पड़ेगा। ठीक है, और मैं अभी इस वक्त इस लेयर पर नहीं हूँ, तो इस पर वर्किंग नहीं हो रही। ओके दोस्तों, तो दोस्तों ये बहुत आसान कमांड। ठीक है, और इस कमांड से हम बहुत अच्छे से असाइनमेंट्स बना सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे काम कर सकते हैं अपनी तस्वीर को ब्लैक एंड वाइट से
कलर में और कलर से ब्लैक एंड व्हाइट में कर सकते हैं ठीक है, बल्कि कलर की तस्वीर को हम ब्लैक एंड व्हाइट कर सकते हैं ठीक है। और अगर हमें ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर को कलर में करना हो तो उसके लिए हम दूसरे कमांड को यूज़ करते हैं। ओके दोस्तों, तो दोस्तों ये मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा ठीक है। छोटी सी वीडियो से ये ठीक है, लेकिन इस एक टूल की मदद से हमने कितना अच्छा काम कर लिया ठीक है। तो दोस्तों ये मेरी वीडियोज़ आप लोगों को पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ठीक है। दोस्तों मैंने अपने चैनल के ऊपर काफ़ी सारी वीडियोज़ बना के अपलोड कर दी हैं, ये देखिए मैंने एडोब फोटोशॉप की काफ़ी सारी वीडियोस बना दी हैं ठीक है। और मैंने ये भी बताया हम कैसे फोटोशॉप को डाउनलोड कर सकते हैं उर्दू इन पेज की, देखिए मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बना के अपलोड कर दी हैं ठीक है। एमएस वर्ड की, एमएस एक्सेल की, देखिए काफ़ी सारी वीडियोस मैंने बना दी हैं ठीक है। इसमें एडवांस एक्सेल की कमांड्स, एडवांस एक्सेल की भी वीडियोज़ मैंने अपलोड की हुई हैं ठीक है। और इंटरव्यूज में किस तरह सवाल किए जाते हैं इसके हवाले से भी मैंने बताया है ठीक है। ये देखिए पावर पॉइंट की भी काफ़ी सारी मैंने वीडियोज़ बना के अपलोड कर दी है ठीक है। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो भी ये कोर्सेज करना चाहते हैं वो मेरे चैनल पे आएँ और मेरी वीडियोस को देखें ठीक है, और दूसरों को भी शेयर करें ताकि उनकी भी कंप्यूटर स्किल में इजाफा हो। ओके दोस्तों, ये देखें दोस्तों कितनी सारी मैंने वीडियोस अपलोड कर दी, तकरीबन मैंने 144 वीडियोस अपलोड कर दी हैं ठीक है। ये देखें ये मेरा चैनल है ठीक है, मैं आपको अपना चैनल दिखा दूँ होम ठीक है, चैनल का अपना होम पेज दिखा देता हूँ आपको ठीक है। ये फ्री सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग ठीक है, ये चैनल है ऑनलाइन कंप्यूटर कोचिंग ठीक है। यूट्यूब पे अगर आप सैयद याद रखे लिखेंगे तो मेरी वीडियोस आ देंगे, या आप ऑनलाइन कंप्यूटर कोचिंग देखेंगे तो जब भी मेरी वीडियोस आ देंगे ठीक है। इसके अलावा मैं फेसबुक पे भी एक्टिव होता हूँ ठीक है, और ब्लॉग भी है मेरा ठीक है। इसके अलावा मेरे पास मेरा यहाँ पे गूगल प्लस अकाउंट भी, मैं आपको दिखा देता हूँ ठीक है। फेसबुक पे भी हूँ ठीक है, इसके अलावा मैं देखें ब्लॉग पे भी हूँ ठीक है। सिंपल मैंने यहाँ से ब्लॉग पे मैं क्लिक करके आपको दिखाता हूँ, और मैं गूगल प्लस अकाउंट पे भी हूँ ठीक है। ये मैंने ब्लॉग बनाया हुआ है ऑनलाइन कंप्यूटर कोचिंग ट्रेनिंग और फ्री कंप्यूटर टीचिंग के नाम से ठीक है। ये देखें ठीक है, इस पर भी मैं सारी अपनी वीडियोस जो बनाता हूँ ठीक है वो इस पर भी अपलोड करता रहता हूँ ठीक है। इसमें भी काफ़ी सारी वीडियोस मौजूद हैं मेरी ठीक है। और गूगल प्लस में मेरा अकाउंट बना हुआ ठीक है, देखिए गूगल प्लस ठीक है, तो गूगल प्लस पे भी आप लोग सीख सकते हैं मेरे कोर्सेज को ठीक है। और इन तमाम चीज़ों की जो लिंक है वो मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं ठीक है। मेरी हर वीडियोस के अंदर डिस्क्रिप्शन मौजूद होती है ठीक है, उसमें मैं तमाम चीज़ों के लिंक डाल देता हूँ, तमाम वीडियोस के जो पुरानी वीडियोस होती है उसके भी लिंक डाल देता हूँ ठीक है। और इसके अलावा मैं इनके जो फेसबुक और ब्लॉग वगैरह होते हैं इनके भी मैं लिंक डाल देता हूँ ठीक है। तो दोस्तों ठीक है, जिन्हें मेरी वीडियो सबको पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और यहाँ पे देखें सब्सक्राइब का बटन है ठीक है, इस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुदा हाफिज़।